फ्रेंड्स, मैं मानविन सिंह एडवोकेट, आप देख रहे हैं हमारा लॉ स्कोप यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको मिलती हैं जुडिशरी से रिलेटेड सारी लेटेस्ट खबरें। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961 यानी कि दहेज प्रसिद्ध अधिनियम 1961 के बारे में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट नॉलेज हमारे चैनल के माध्यम से मिल सकें। तो आइए हम इस एक्ट को स्टार्ट करते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन के साथ हम इसको देखेंगे। सबसे पहले यदि हम दहेज वर्ड को सुनते हैं तो दहेज वर्ड को सुनकर हमें समझ में आता है कि बहुत पुरानी एक प्रथा, दहेज प्रथा हमारे समाज में चलती आ रही है, प्राचीन काल से चलती आ रही है और आज भी हम इस समस्या से कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए एक एक्ट पारित किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जिसको हम दहेज प्रसिद्ध अधिनियम 1961 बोलते हैं। तो इस एक्ट के बारे में आज के हम वीडियो में पूरे विस्तार से देखेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें इसके अंदर मिलेंगी, क्या क्या हमने इस एक्ट के अंदर कौन से कार्यों को हमने पनिशेबल बनाया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन की यदि हम बात करें, इस एक्ट का एक्ट नंबर जो है 28 है 1961 का। इसको राष्ट्रपति की जो अनुमति मिली थी वो 20 मई यानी कि 20 मई 1961 को मिली। ये एक्ट लागू हुआ था 1 जुलाई 1961 को। टोटल सेक्शन की यदि बात की जाए इस एक्ट के अंदर 10 सेक्शंस हैं और एक्सटेंट की यदि बात की जाए तो होल ऑफ इंडिया पे ये एक्सटेंट रखता है। अब सबसे पहले बात ये आती है कि एक्ट जो बनाया गया किस पर्पज़ से बनाया गया। तो इस एक्ट को सिर्फ दहेज देने और दहेज लेने दोनों चीज़ों को प्रतिषिद्ध यानी कि प्रोहिबिट करने के उद्देश्य से हमने इस एक्ट को बनाया है। तो आइए हम इस एक्ट को विस्तार से जानते हैं एक एक चीज़ों को। सबसे पहले इसका सेक्शन वन जो हमें बताता है, सेक्शन वन हमें बताता है संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ यानी शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट के बारे में। इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल जो है दहेज प्रसिद्ध अधिनियम 1961 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और ये जो लागू होगा इसके बारे में सेक्शन वन में कि सब सेक्शन थ्री में बता रखा है कि ये उस तारीख को लागू होगा जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के माध्यम से डिसाइड करे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डेट फिक्स की है 1 जुलाई 1961। इसकी सेक्शन टू हमें बताती है डेफिनेशन ऑफ डॉरी, दहेज की परिभाषा के बारे में। तो दहेज क्या होता है, दहेज की परिभाषा क्या होगी, उसके बारे में सेक्शन टू में हमें बेसिक प्रोविजन दिए गए हैं। हम इसके अंदर मैं आपको बताऊं, इसके अंदर होता है जब कोई व्यक्ति कोई वस्तु, संपत्ति या कोई मूल्यवान प्रतिभूति विवाह के समय या विवाह के पूर्व या पश्चात किसी भी समय विवाह के संबंध में या तो प्राप्त करता है या दिए जाने का या लिए जाने का एग्रीमेंट करता है, करार करता है, तो वो उनके द्वारा दी गई वस्तु या संपत्ति दहेज कहलाएगी। किन लोगों के द्वारा दी गई हो, जब विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दी गई हो तो वो संपत्ति या वो मूल्यवान प्रतिभूति, या फिर विवाह के एक पक्षकार के माता पिता या रिश्तेदार के द्वारा दूसरे पक्षकार से, दूसरे पक्षकार को या दूसरे पक्षकार के माता पिता को या अन्य रिश्तेदारों को दी गई हो या दिए जाने का करार किया गया हो, एग्रीमेंट किया गया हो, वो सारी संपत्तियां दहेज कहलाएंगी, ऐसा हमें सेक्शन टू बताता है। लेकिन सेक्शन टू का एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद भी सेक्शन टू में दे रखा है। उसमें बताया गया है कि मुस्लिम विधि के अकॉर्डिंग जो मेहर होती है, जो मुस्लिम विधि में के अकॉर्डिंग जब मैरिज होती है तब मेहर राशि एक दी जाती है, तो वो राशि दहेज नहीं मानी जाएगी, ऐसा हमें इसके अंदर सेक्शन टू बताता है। तो सेक्शन टू को बहुत अच्छे से याद आपको रखना है, सेक्शन टू में हमें डेफिनेशन मिलती है दहेज की यानी कि डॉरी की। इसके बाद आता है सेक्शन थ्री। सेक्शन थ्री हमें बताता है पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डॉरी, यानी कि कोई व्यक्ति दहेज लेने और दहेज देने दोनों को हमने इस एक्ट में पनिशेबल बनाया है बाय द वे ऑफ सेक्शन थ्री। सेक्शन थ्री बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें दहेज लेना और दहेज देना के अलावा दहेज देना और दहेज लेने के लिए दुष्प्रेरित करने को भी अपराध घोषित करती है। और इस सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको
जो कारावास मिलेगा या जो इम्प्रिजनमेंट आपको मिलेगी जो 5 वर्ष से कम की नहीं होगी, और आपको फाइन भी लगेगा। फाइन जो होगा 15,000 रुपये यानी 15,000 रुपये, या फिर जितनी डोरी आपने लिया है यानी कि दहेज जितना आपने लिया है उनमें से, इन दोनों में से 15,000 में से और जो दहेज की रकम है उन दोनों में से जो भी अधिक होगा उतना आप पर पेनल्टी लगाई जाएगी, ऐसा हमें इसके अंदर मिलेगा। लेकिन इसकी सेक्शन जो 3 है, सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 हमें एक रूल बताता है जो हमें एक एज अ एक्सेप्शन याद रख सकते हैं। इसके अंदर हमने बताया है कि यदि शादी के समय चाहे वर को या वधू को दोनों को कोई गिफ्ट के रूप में जो चीज़ें मिलती हैं वो सारी चीज़ें दहेज नहीं मानी जाएंगी। लेकिन कब? वो सारी चीज़ें यदि इस एक्ट के लागू करने के पर्पज़ से या इस एक्ट में बताए गए उद्देश्य के सब पर्पज़ से जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों के अधीन उस लिस्ट में उनको रखा गया है जो गिफ्ट के रूप में दी जाएँ तो वो डाउरी नहीं मानी जाएंगी। उस लिस्ट में आने वाली वस्तुएं तो आपको गिफ्ट के रूप में दी जाती हैं विदाउट एनी डिमांड, यानी कि उसमें वर और वधू की कोई डिमांड नहीं होना चाहिए, तो ही वो सारी चीज़ें क्या मानी जाएंगी? डोरी नहीं मानी जाएंगी। तो इसके बाद हमारी सेक्शन 3 के बाद सेक्शन 4 आता है। सेक्शन 4 हमें बताता है पेनल्टी के बारे में, पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डोरी यानी कि दहेज की मांग को शास्ति घोषित करता है सेक्शन 4। और सेक्शन 4 में हमें इसके बारे में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से दहेज मांगता है तो उसको जो कारावास मिलेगा 6 माह से कम का नहीं होगा, किंतु जो 2 वर्ष तक का हो सकेगा यानी कि इम्प्रिजनमेंट 6 माह से कम का नहीं मिलेगा लेकिन 2 साल तक का हो सकेगा, और जुर्माना जो 10,000 तक का हो सकेगा आपको पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन क्या कोई कोर्ट ऐसा हो सकता है कि 6 मंथ से भी कम का कारावास दे सके? तो इसका एक प्रोवाइडेड हमें मिलता है सेक्शन 4 में, वो हमें बताता है कि यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कोई रीजनेबल कॉज हैं, रीजनेबल कारण हैं, उनको उसे रिटर्न में लिखना पड़ेगा और उसके आधार पर किसी व्यक्ति को 6 मंथ से कम का भी पनिशमेंट वो दे सकता है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 4A। 4A हमें बताता है बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन पर पाबंदी। इस एक्ट में हमने दहेज लेना या दहेज देने के लिए यदि आप कोई एडवर्टाइजमेंट भी निकालते हैं उस कार्य को भी हमने प्रतिषिद्ध किया है और उसके बदले को हमने अपराध घोषित किया है। और यदि कोई व्यक्ति दहेज के पर्पस से, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसके पर्पस से, दहेज के पर्पस से यदि किसी मैगजीन या किसी समाचार पत्र या कोई और पत्रिका है, जनरल है, उसमें इसके बारे में एडवर्टाइजमेंट निकालता है तो वो अपराध करता है सेक्शन 4A का, डोरी प्रोविजन एक्ट 1961 का। और उसके अकॉर्डिंग जो हमें सेक्शन 4 में उसमें पनिशमेंट बताया गया है वो बताया गया है इम्प्रिजनमेंट जो मिलेगा आपको 6 मंथ से कम का नहीं होगा, जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा, और आपको जो कारावास मिलेगा जो यानी कि फाइन जो मिलेगा वो 15,000 रुपये तक का हो सकेगा। लेकिन न्यायालय को ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति को 6 मंथ से कम का भी पनिशमेंट देना चाहिए तो स्पेशल कॉज उसको लिखना पड़ेंगे और रिटर्न करने के बाद किसी व्यक्ति को 6 मंथ से कम का भी पनिशमेंट दे सकता है। इसके बाद चलिए सेक्शन 5 आता है। सेक्शन 5 हमें बताता है कि यदि आपने कोई एग्रीमेंट किया है दहेज देने के लिए या दहेज लेने के लिए तो आपके द्वारा किया गया एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा, और इस सेक्शन हमारे द्वारा किए गए एग्रीमेंट को वॉइड घोषित करती है। तो सेक्शन 5 बहुत इंपॉर्टेंट रूल हमें इसके अंदर बताता है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आती है सेक्शन 6। सेक्शन 6 हमें बताता है दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना, यानी कि जब विवाह के समय जो डोरी यदि किसी शादी में दिया जाता है, पत्नी को दिया जाता है, तो ऐसा माना जाएगा जितना भी डोरी उस शादी में मिला, उसके विवाह में मिला, वो सारा डोरी उस पत्नी के लिए रहेगा, उस पत्नी के फायदे के लिए रहेगा या उसके वारिसों के फायदे के लिए रहेगा जो भी उसके अलार होंगे। अब सबसे पहली बात इस सेक्शन में हमें मिलेगी, हमने इस सेक्शन में सेक्शन 6 में चार सबसेक्शन में इसको डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले सबसेक्शन हमें बताता है कि यदि किसी शादी में या विवाह में कोई डोरी दी जाती है तो वो उस पर हक सबसे पहले पत्नी का रहेगा। लेकिन पत्नी को कब मिलेगी?
इसके बारे में हमने इसके अंदर तीन चीजें बताई हैं। यदि विवाह के पूर्व यदि कोई संपत्ति दी जाती है किसको, उसके पति को, उसके पति के रिश्तेदारों को, तो वो सारे लोग उस प्रॉपर्टी को एज अ ट्रस्ट के रूप में अपने पास रखेंगे। लेकिन विवाह के पूर्व यह संपत्ति दी जाती है तो विवाह होने की तारीख से विद इन 3 मंथ के अंदर उन्हें उस प्रॉपर्टी को पत्नी को देना पड़ेगा, पहला रूल। दूसरा, यदि विवाह के समय या विवाह के पश्चात दी जाती है तो जब भी वो प्रॉपर्टी उनको प्राप्त होती है उस दिन से 3 मास के भीतर यानी कि 3 मंथ के अंदर उसको किसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, पत्नी को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। उसके अलावा यदि संपत्ति तब दी जाती है और विवाह के समय दी हो या विवाह के पूर्व दी हो, लेकिन जो वधु है यानी कि वो पत्नी है वो अवयस्क है, माइनर है, तो उस दशा में जैसे ही वो 18 वर्ष की आयु प्राप्त करती है उसके विद इन 3 मंथ के अंदर आपको प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगी। और इसमें हमें बेसिक रूल मिलता है, जब तक वो प्रॉपर्टी आपके पास रहेगी तो सिर्फ आप उसका एज अ ट्रस्ट के रूप में उसका उपयोग करेंगे, अपने पास रखेंगे। और जैसे ही आपका ये ड्यूटी है कि हमने 3 मंथ के अंदर आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको कंडीशन बताई। इसके अलावा हमें सबसेक्शन 3 इसका मिलता है। सबसेक्शन 3 हमें एक चीज़ और बताता है, यदि मान के चलिए उस स्त्री की डेथ हो जाए जिसके नाम से वो प्रॉपर्टी मिलना चाहिए उसे, तो उसके बाद उस प्रॉपर्टी का क्या होगा, तो उसके बाद ये प्रॉपर्टी उसके LRs को चली जाएगी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को चली जाएगी, ऐसा रूल हमें सबसेक्शन 3 में मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और आपको मिलेगी, यदि सबसेक्शन 3 में जो डेथ होती है वो डेथ मैरिज के विद इन 7 मंथ के अंदर हो रही है, सॉरी 7 ईयर के अंदर हो रही है, और ऐसे कारणों से हो रही है जो नॉर्मल प्राकृतिक कारणों से मृत्यु नहीं हुई, अन्यथा मृत्यु हुई है, यानी कि ऐसे कारणों से हुई है जो नॉर्मल व्यक्ति ऐसे कारणों में मरता नहीं है। तो यदि ऐसी यदि डेथ हुई है तो यदि उस लेडीज़ के या उस वूमेन के कोई संतान नहीं है, कोई चाइल्ड नहीं है, तो उस दशा में प्रॉपर्टी उसके माता पिता को जाएगी, उसके माता पिता को आपको देना पड़ेगी। और यदि उसकी कोई संतान है, उसके बच्चे हैं, तो उसके बच्चों को आपको देना पड़ेगी, ऐसा बेसिक रूल हमें इसके अंदर मिलता है। और इसका सबसेक्शन 2, इन दोनों को यदि सेक्शन 6 के सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग आपने पत्नी को प्रॉपर्टी विद इन 3 मंथ के अंदर नहीं दी, 3 कंडीशन जो पड़ी थी उसके अकॉर्डिंग, और सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग उसके या तो माता पिता या उसके संतान को नहीं दी डेथ के बाद, तो आपने जो अपराध किया सबसेक्शन 2 में उसका हमें पनिशमेंट मिलता है। और सबसेक्शन 2 जो हमें पनिशमेंट देता है वो पनिशमेंट बताता है कि आपको जो पनिशमेंट मिलेगा वो 6 मंथ से कम का नहीं होगा, लेकिन 2 ईयर्स तक का हो सकेगा, ऐसा हमें इसके अंदर मिलेगा। संघ में आपको जुर्माना भी आप पर लगाया जा सकता है, जो जुर्माना होगा फाइन होगा 5,000 रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन 10,000 रुपये तक का हो सकेगा, या फिर आपको दोनों पनिशमेंट दिए जाएंगे, ऐसा बेसिक रूल हमें इसके अंदर मिलता है। ठीक है, इसके अलावा सबसेक्शन 3A भी हमें इसके अंदर इंसर्ट किया है। इसमें बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को कोर्ट ने ऑर्डर किया विद इन 3 मंथ के अंदर, जैसे सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग उसे प्रॉपर्टी देना है या सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग उसे प्रॉपर्टी देना है, उसके ऑर्डर के बावजूद भी वो प्रॉपर्टी नहीं देता है, तो कोर्ट उसको एक बार और मौका देगा कि आप इस प्रॉपर्टी को दीजिए, और फिर भी वो कोर्ट के ऑर्डर को ना मानकर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करता है, तो उस दशा में कोर्ट उसी मूल्य के बराबर जितने की प्रॉपर्टी है उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को अटैच कर सकेगा, कुर्की कर सकेगा, और उसको बेच सकेगा प्रॉपर्टी और पैसा प्राप्त करके, जो उसका अधिकारी है या तो उसके माता पिता या संतान या वो पत्नी, उनको दिलवाने का ऑर्डर इसके अंदर करेगा, उनको प्रॉपर्टी दिलवाएगा। लेकिन इस सबसेक्शन 4 इसका बताता है सेक्शन 6 का, कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में जो हमने प्रोविजन पढ़े उस पर इस सेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा बेसिक रूल हमें सेक्शन 6 में मिलता है। इसके बाद हमारी सेक्शन आती है सेक्शन 7। सेक्शन 7 हमें बताती है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, यानी कि अपराधों का संज्ञान के बारे में। तो अपराधों के संज्ञान के बारे में इस सेक्शन 7 में हमें जो प्रोविजंस मिलते हैं वो बताता है कि अपराधों का संज्ञान केवल और केवल महानगर मजिस्ट्रेट या फिर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से ऊपर की श्रेणी का मजिस्ट्रेट ले सकता है, नीचे की श्रेणी का मजिस्ट्रेट नहीं लेगा, इन्फीरियर कोर्ट नहीं लेगी इन दोनों के अलावा।
और अब दूसरी बात आती है कि जो संज्ञान लिया जाएगा, कॉग्निजेंस लिया जाएगा, तो कॉग्निजेंस किस तरीके से लिया जाएगा। तो बेसिकली तीन चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं। मजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस लेगा तीन तरीके से लेगा, सबसे पहले स्वयं की जानकारी पर ले सकता है, दूसरा पुलिस रिपोर्ट पर ले सकता है, और तीसरा व्यथित व्यक्ति या उसके माता पिता या उसके रिश्तेदार या फिर मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था है या फिर संगठन है, ऐसी कोई चीज़ भी है, उनके द्वारा किए गए कंप्लेंट पर भी यानी कि परिवाद पर भी ले सकता है। इन तीन आधार पर भी ही तीन आधार पर ही वो कॉग्निजेंस लेगा। इसके अलावा बात आती है कि जो सेक्शन 7 का सबसेक्शन 2 हमें बताता है कि इस एक्ट में जितने भी कॉग्निजेंस लिए जाएंगे उस पर चैप्टर नंबर 36 CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 है, उसका चैप्टर नंबर 36 लागू नहीं होगा इस एक्ट पर। चैप्टर नंबर 36 जो CRPC है वो हमें बताता है कि जब कोई कॉग्निजेंस लिया जाता है तो उसकी टाइम लिमिट क्या होगी, उसकी परिसीमा के बारे में, लिमिटेशंस के बारे में बताता है। तो वो सारी लिमिटेशंस यहाँ पर लागू नहीं होंगी, ऐसा हमें इसका सबसेक्शन 3 बताता है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो आती है, नेक्स्ट सेक्शन हमें बताती है सेक्शन 8। सेक्शन 8 बताती है इस अपराधों का कुछ प्रयोजनों के लिए संज्ञेय होना और अजमानती होना। यानी कि इसमें हमने बेसिक रूल बताया, कुछ सेक्शन हमने इसमें कॉग्निजेबल बनाई हैं और किन पर्पस से बनाई हैं उनका बताया, बारे में बताया है। और दूसरा हमने बताया इस एक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी ऑफेंसेस हमने बताए वो सारे ऑफेंसेस नॉन वेलेबल माने जाएंगे और नॉन कंपाउंडेबल माने जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले चीज बात आती है इसके अंदर कि जो सेक्शन 8 में हमें अपराधों का संज्ञेय होना, नॉन वेलेबल होना और नॉन कंपाउंडेबल होने के बारे में बताया गया है। सबसेक्शन 1 हमें इसके अंदर दो सबसेक्शन में हमने सेक्शन 8 को डिवाइड किया है। सबसेक्शन 1 हमें बताता है कि कौन से ऐसे अपराध हैं जो किन कंडीशनों में संज्ञेय माने जाएंगे। यानी कि जब कोई व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा तो उस पर्पज़ से वो सारे जो ऑफेंस इसके अंदर बताए गए हैं इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ से क्या माने जाएंगे, कॉग्निजेबल माने जाएंगे। उसके अलावा सेक्शन 42 CRPC की उसके प्रोविजंस को छोड़कर और उसके अलावा वारंट के बिना जो गिरफ्तारी के प्रोविजंस होते हैं उनको छोड़कर सारे पर्पस के लिए इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो कार्रवाई की जाएंगी वो सारी कार्रवाइयाँ कॉग्निजेबल होते हुए मानकर की जाएंगी। ऐसा बेसिक रूल हमें सबसेक्शन 1 में मिलता है। सबसेक्शन 2 हमें बेसिक रूल बताता है इसके अंदर कि जो ऑफेंसेस होंगे वो प्रत्येक ऑफेंस इस एक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी ऑफेंसेस हमने बताए वो सारे ऑफेंस नॉन कंपाउंडेबल और नॉन वेलेबल हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 8A। सेक्शन 8A हमें बताता है बर्डन ऑफ प्रूफ सर्टेन केसेस, यानी कि कुछ मामलों में सबूत का भार। यानी कि इस सेक्शन में कुछ अपराध जो बताए गए हैं इस एक्ट में जो अपराध बताए गए हैं उन अपराधों के बारे में बताया गया है कि उनमें बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास रहेगा। तो सबसे पहले 8A की यह बात की है, सेक्शन 8A को हमने इंसर्ट किया था 1986 में, 1986 के अमेंडमेंट से हमने इसको इंसर्ट किया। इसके बाद यह बात की जाए सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में जो हमने अपराध घोषित किए, सेक्शन 3 में हमने बताया कि दहेज लेना और देना दोनों को हमने अपराध घोषित किया और सेक्शन 4 में हमने देखा था कि दहेज मांगने के लिए शास्ति हमने बताई थी। यदि कोई व्यक्ति दहेज मांगता है तो उसके बारे में इन दोनों सेक्शनों के बारे में हमने उसके अंदर देखा, दोनों अपराध देखे। यदि और सेक्शन 8A हमें बताता है या सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति पर कोई कार्रवाई चलाई जाती है उसके बारे में पुलिस वाले ने या किसी कोर्ट ने ऐसा बोला है कि इस व्यक्ति ने दहेज मांगा है, दहेज मांगने के लिए परेशान किया है, शास्ति और सेक्शन 3 या 4 के अकॉर्डिंग वो अपराध किया है, तो उस व्यक्ति को ही ये साबित करना पड़ेगा। यानी कि अभियुक्त को ही यानी कि एक्यूज्ड को ही ये साबित करना पड़ेगा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, कोर्ट तो उसके अगेंस्ट में प्रिजम्पशन करेगी, ऐसा सेक्शन 8A बताता है। क्योंकि बेसिक रूल हमने CRPC में पढ़ा था कि बेसिक रूल CRPC में भी पढ़ा हमने, इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ा, सेक्शन 101 हमें बताता है इंडियन एविडेंस एक्ट का कि जो व्यक्ति कोर्ट से बोलता है कि कोर्ट उसकी बातों पर विश्वास करे तो उस व्यक्ति को ही साबित करना पड़ता है कि कोर्ट उसकी बातों पर इस तरीके से विश्वास करे। लेकिन क्रिमिनल में एक रूल चलता है, क्रिमिनल का बेसिक रूल है
कि प्रोसिक्यूशन को बेसिकली साबित करना पड़ता है कि ऐसा ऐसा अपराध इस व्यक्ति ने किया है, लेकिन यहाँ आपको उस बेसिक रूल के अगेंस्ट में प्रिजम्पशन मिल रही है सेक्शन 8A में, आपको इस तरीके से इसको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो आती है सेक्शन 8B, इसको भी हमने सेक्स 1986 के अमेंडमेंट से इंसर्ट किया, जो हमें बताता है डॉरी प्रोविजन ऑफिसर के बारे में, यानी कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी के बारे में, और इसमें हमने दहेज प्रतिषेध अधिकारी को अपॉइंट किया है, और अपॉइंट करने की जो पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और स्टेट गवर्नमेंट जितने चाहे उतने डॉरी प्रोविजन ऑफिसर यानी कि दहेज प्रतिषेध अधिकारियों को अपॉइंट कर सकती है। अब हमने जिन अधिकारियों को अपॉइंट किया उन अधिकारियों के पास शक्तियाँ क्या होंगी, उनके कार्य क्या होंगे, उनके फंक्शंस क्या होंगे, उसके बारे में हमें सबसेक्शन 2 में इसके बताया गया है। और जो फंक्शन बताए गए हैं, सबसे पहला फंक्शन हमें इसके अंदर मिलता है या कार्य इसका मिलता है, वो बताता है अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करना, यानी कि बेसिक तरीके से जो एक्ट हमने बताया उस एक्ट को पूरी तरीके से हम लागू कर सकें, ये चीज़ें उसको देखना पड़ेंगी। दूसरा, दहेज की मांग को रोकना, कोई भी व्यक्ति दहेज लेता है, दहेज की मांग करता है, उसको प्रोहिबिट करना, इसकी ड्यूटी हमने बनाई। तीसरा, अभियोजन के लिए साक्ष्य एकत्रित करना प्रोसिक्यूशन के लिए, ये क्या करेगा ये अधिकारी क्या करेगा, सबके लिए एविडेंस कलेक्ट करेगा अभियोजन के लिए, ऐसा हमें इसके अंदर मिलता है। और फोर्थ मिलता है, इस एक्ट अकॉर्डिंग रूल बनाकर यदि कोई कार्य और सौंपे जाते हैं उसको, तो उन सभी कार्यों को उसको करना पड़ेगा। अब एक चीज़ और आती है, जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी होंगे वो किन की शक्तियों का प्रयोग करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट तो कर दिया, तो हमें इसके सबसेक्शन 3 में मिलता है, सेक्शन 8B के सबसेक्शन 3 में मिलता है कि जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी होंगे वो पुलिस वालों की शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उनके अकॉर्डिंग काम करेंगे। अब दहेज प्रतिषेध अधिकारी अपॉइंट हो गए, शक्तियाँ भी उनको मिल गई, लेकिन दहेज प्रतिषेध अधिकारियों को सहायता करने के लिए हमने सबसेक्शन 4 के अंदर, सेक्शन 8B का सबसेक्शन 4 जो है उसमें हमने दहेज प्रतिषेध अधिकारी की सहायता करने के लिए सलाहकार बोर्ड को अपॉइंट किया है। और सलाहकार बोर्ड बेसिकली 5 लोगों से मिलकर बनेगा, और वो 5 लोग जो होंगे सामाजिक कल्याण के कार्यकर्ता होंगे, 5 में से कम 2 महिलाएँ भी होना आवश्यक है, ऐसा हमें सबसेक्शन 4 सेक्शन 8B का बताता है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आती है सेक्शन 9। सेक्शन 9 हमें बताता है पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, यानी कि केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति। हमने इस एक्ट के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए या कार्यान्वयन करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बना सकेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बनाने के बाद सारे नियम संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखेगी, और समक्ष रखने के तुरंत 30 डे के अंदर उसे पास करना पड़ेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट जब संसद के सामने यानी पार्लियामेंट के सामने उन रूलों को रखती है, तो उस दशा में जब लागू कर देती है, तो इसमें कंडीशन आपको मिलेगी, जब उसने रूल उसके सामने रखे और सेंट्रल जो पार्लियामेंट होगी, पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पास कर देते हैं, वो रूल मान्य किए जाएंगे, और यदि उनको वो रिजेक्ट कर देते हैं तो वो रूल रिजेक्ट हो जाएंगे। लेकिन उस बीच के दौरान जब उसने बनाने के बाद भेजा विद इन 30 डे के अंदर जब पास करना था, उसके बीच में कोई कार्रवाई उस रूल के अकॉर्डिंग की गई है, तो वो कार्रवाई बेकार नहीं मानी जाएगी, ऐसा भी रूल आपके अंदर इसके अंदर मिलेगा। दूसरी चीज़ हमें सेक्शन 9 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल बनाने की जो पावर है, कुछ स्पेसिफिक पर्पस भी इसके अंदर दे रखे हैं। सेक्शन 3 की सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग जो लिस्ट रखी जाती है किस चीज़ की, कि कौन कौन सी चीज़ें गिफ्ट के रूप में दी जा सकती हैं किसी भी वरवधु को, उसके संबंध में रूल बनाएगा, उसकी लिस्ट बनाएगा। दूसरा, इस अधिनियम के प्रशासन को बहुत अच्छे तरीके से किया जा सके, कार्रवाई की जा सके, उसके संबंध में जो भी उसे आवश्यक लगे वो सारे रूल बना सकता है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन हमें बताती है सेक्शन 10। सेक्शन 10 हमें बताती है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, यानी कि राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति हमें सेक्शन 10 में दी गई है। सेक्शन 10 हमें बताता है कि राज्य सरकार इस एक्ट को कार्यान्वित करने के लिए, सही तरीके से कार्य करने के लिए, केयरिंग करने के लिए रूल बना सकती है, और जो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उसके संबंध में रूल बनाएगी। और जैसे ही रूल बनाए जाएंगे वो किन पर्पस से बनली बनाए जाएंगे, इसमें भी हमने 2 पर्पस बताए हैं। सेक्शन 8B का सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग जो हमने बात पढ़ी थी 8B के सबसेक्शन 2 में, उसको लागू करने के लिए, यानी कि 8B के सबसेक्शन 2 में हमने क्या पढ़ी थी, कुछ शक्तियाँ पढ़ी थी उसकी, किसकी, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की। तो 8B में जो शक्तियाँ हमने पढ़ी थी और
फोर्थ नंबर की शक्ति हमने पढ़ी थी, कुछ और अतिरिक्त कार्य उसे सरकार द्वारा सौंपे जाएँ, राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाएँ, तो उसके संबंध में वो बता सकती है कौन कौन सी शक्तियाँ उसको दी जाएंगी। दूसरा, वो परिसीमाएँ, वो शर्तें जो दैवीय प्रशासन अधिकारी सेक्शन 8B का सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जो उसके पास रहेंगे, कृत्य रहेंगे, उनके अकॉर्डिंग उसे करना पड़ेगा। जो शक्तियाँ दी गई हैं किन परिसीमाओं के अधीन, किन शर्तों के अधीन दी गई हैं पुलिस अधिकारी शक्तियाँ, उनके संबंध में रूल बनाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी है। और स्टेट गवर्नमेंट जैसे ही रूल बनाएगी उसके पश्चात उसे राज्य के विधानमंडल के सामने उसको रखना पड़ेगा, और राज्य के विधानमंडल उसको पास कर देगा तो वो रूल बन जाएंगे। ऐसा हमें बेसिक रूल इसके अंदर मिलता है। तो बहुत छोटा सा एक्ट है ये, डोरी प्रोविजन एक्ट 1961। तो हमारा एक्ट यहाँ समाप्त होता है। तो आपको बहुत अच्छे से इसको एक्ट को करना है। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो और भी जितने साथी हैं आपके जो जुडिशरी से रिलेटेड हैं और जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, कहीं ना कहीं वो MP CJ, राजस्थान CJ किसी की भी ये तैयारी कर रहे हैं, तो उनको इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। और वीडियो को बहुत प्रॉपर तरीके से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।